शर्म करो, कच्ची मछलियां खा गए तुम लोग इस बंदे निकाल के। ये कौन है? भाई है ना, ये तुम्हारा भाई है। लानत तुम्हारी शक्ल पे इतनी देर से। बाकी के दो देख लेगी ना, फिर इसको भी लानत देगी। बेचारे तुम। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे ये बात बोलने के लिए। इन्होंने कहा आपने ये बोलना है, तो मैंने इसलिए बोला है। शुरुआत मेरा वजन चेक करने से हो रही है और मेरा वजन कितना बता रहा है समझ ही नहीं आ रहा। सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। मेरा वजन 66 बता रहा है, मतलब 68 से नीचे नहीं जा रहा था। 66 बता रहा है, मैं सही थी? दोबारा चेक करो। हाँ 66 ही बता, आप लोग कमेंट में बताएं 66 ही बता रहे ना, क्योंकि 66 से नीचे नहीं जा रहा था। और मम्मा भी अब शक्ति करने लगी हैं, बोलती हैं खाओ पियो, ये वाली हरकतें मत करो कि एक दो नवाले खाए और बस, ये कोई जिंदगी है तुम्हारी? तो खैर अब मैं उठ गई हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ। मेरा ड्रेस जो मैंने लिया आज पहनने के लिए, मैंने आज सिंपल लिया यार, मेरे ये वाला नाखून में दर्द हो रहा है बहुत। अस्सलाम वालेकुम, देखो मेरे लैशेस, तो मैं गंदा मुंह बना रहा है ये भी और आया था। मेरी लैशेस अच्छी नहीं लग रही, नेल्स अच्छे लग रहे हैं और लैशेस सच बताओ ज़्यादा लग रही है। तो बारात की दुल्हन वलीमे की दुल्हन की लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, पकड़ो जल्दी से पकड़ो, मैं जान करो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, हाथ मिलाइए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम, शेख हैंड, शेख हैंड। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये अब इतना जोश आ गया, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? टिट्टे बिट्टे टिट्टे बिट्टा टिट्टा टिट्टा बड़ा टिट्टा बड़ा चाटे बिट्टी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कह रहा कह रही है थूक से बाल, भाभी के हाथ बाल धुल गए। कोई बात नहीं, कंडीशनर लग गया ना। बताओ एक्रेलिक अच्छे लग रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लैशेस बहुत ज्यादा लगा दी इससे भाई यार, मैं निकलवा लूँ जाके। वो लड़कियां नहीं होती मेरा, इधर भी मोटे मोटे लैशेस भी ज्यादा ज्यादा बड़े होटे वाली नहीं, अच्छे लग रहे हैं बहुत, मगर ना क्या नाम है बारात वाली में की दुल्हन के लग रहे हैं इतने हैवी लग। वो अभी नहीं लगाती इतनी हैवी, नहीं वो ही लगाती है इतनी। ऐसा लग रहा है किसी ने काला काजल लगा दिया आंखों के ऊपर, नींद आ रही थी लगाने में, काजल लगा दिया काला आंखों के ऊपर की, एक बाल तो समझ आए, एक बाल समझ गया ना, पूरा गुच्छा लगाया उसने। ऐसा लग रहा है रूहान को गंजा करा के उसी के बाल लगवा के, थोड़ा सा कम कर दो अपने बाल को। कैसे करूँ, ऐसे खींच खींच के? नहीं निकल नहीं सकते, ये नहीं खींच सकते। मेरी मम्मा कहाँ है, मेरी मम्मा कहाँ है? क्या फेंका है तुमने माँ? इधर आ बाहर, कितना कचरा है, ये खपाई नहीं कराई आज बाहर के, अंदर आ बिट्टू। सामने वाले के घर में फाहम की लड़ाई हो गई, चलना उनकी झुग्गियों में बाइक लेके चले गए फाहम, औरतें बैठी हुई सामने पर्दा करने वाली, फाहम इतने तैश में थे। अब ना पापा ना ये बच्चों से बातें कर रहे, फाहम की जो चीखने वाली आवाज आती है ना, वो चीखने वाली आवाज है। मैंने कहा पापा ये छोड़े आम आ जाए, मैंने कहा पापा अब ये छोड़े आम आ जाए, तो पापा क्या कह रहे थे तुम? माँ गए, माँ जाके कहते पकड़ ले उसको, पकड़ ले, मारियो उसको, मैं आ रहा हूँ, इतनी जोर से चीखे, पापा भागे उनके पास। ये आया कि अस्सलाम वालेकुम मम्मा, ये लोग बोल रहे हैं बहुत बुरी लैशेस लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने काजल लगा दिया। आज डाइट में आया है मेरा डिटॉक्स वाटर, एंड लंच में आया है मैक्रोनीस, और ब्रेकफास्ट में ये क्या भेजा है, ये कुछ कपकेक्स भेजा है और ये स्टेक भेजा है। मैंने ये वाला ड्रेस पसंद करा है और आप लोग देखें, क्योंकि वो वाला तो मुझे आया ही नहीं अभी, मैंने घर पे जब ट्राई किया तो मैंने ये पसंद किया है वाइट निकाह के हिसाब से। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले जो है इनमें से चेक कर लूँ कि मुझे क्या आएगा। वैसे मुझे ये वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये है मुस्फिरा साथ के ड्रेसेस, ये वाला कल ये पहनने के बाद देखा नहीं था कितना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये ट्राई करा,
ये इतनी सी चोली मुझे कैसे आएगी, ऊपर 40 साइज की है इन्हें, मतलब वो जो ऊपर का पर है, और ये है स्मॉल, मतलब कि ये 30 है, ये मुझे कैसे आएगी। मैंने ये वाला ट्राई किया है बट ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये अजीब सा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। तो भाई मैंने मम्मा को पिक कर लिया है, मम्मा मेरे साथ जा रही हैं सैलून। मम्मा इतने नखरे दिखा रही थी, जा ही नहीं रही थी मेरे साथ, मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। उसने आपको इतने प्यार से बुलाया और आप इतने नखरे दिखा रही हैं, इतनी ज़बरदस्ती इनको फोर्स करा है। ट्रिप पे जाने का प्लान भी एक महीना पहले से है, शादी में भी जाना है। मुझे भी यही हो रहा है कि यार पहले से प्रोग्राम बना लिया तो अब जाहिर सी बात है, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है बाबा को दवाई दिला दी है, बाबा का बुखार उतर गया है। अभी रात को बाबा के साथ बैठ के थोड़ा सा बातचीत वगैरह करेंगे, बाबा सो रहे हैं भी। बाबा मानता ट्रिप पे क्यों नहीं जा रहे यार, कितना बोल रही हूँ बोला मैंने, लेकिन वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्शन शुरू हो गए, इलेक्शन के काम में बाबा का पता तो है गवर्नमेंट का। अभी मम्मा का मैं सोचूं लाइट सा मेकअप करा दूं। अरे वाह इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आज भी वाला का मेकअप कितना अच्छा है ना। मैं हमेशा आती हूँ, तुम पहली बार आई हो। मैं हमेशा आती हूँ, तुम बाद में आई हो। तुम्हारे रोज देखे थे मैंने, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा इनका मेकअप, तो इसलिए मैं दोबारा। यहाँ मेरा हेयर डू हो रहा है और मेरे हेयर डू में आज बन रही है पोनी, और माशाल्लाह माशाल्लाह सबा का मेकअप चेक कर, बहुत खूबसूरत लग रही है सबा, माशाल्लाह है इतनी प्यारी, क्या करे बेचारी। मैं अभी सबा की टक्कर पे आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी टाइम तो नहीं सकती इसकी। माशाल्लाह ये जब पैदा हुई थी ना माशाल्लाह, तभी इसका वेट अच्छा खासा था। मैं जब पैदा हुई थी ना मेरा भी वेट बहुत अच्छा था, लेकिन तुम इसको अगर 8 साल 9 साल की उम्र में भी देखोगी ना तब भी ऐसी है। सबा तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, मैंने 15 प्रोमैक्स लिए अपनी मेहनत से। अल्लाह मेरे मैंने अभी हाँ मैंने वो ब्लॉग देखा था, तुम रो रही थी, मैंने देखी थी, देखा था तुम ब्लॉग। बस बस अल्लाह सबको इतना मेहनती करे, आमीन आमीन। इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों है आप? क्योंकि मैं खुद को अच्छी नहीं लग रही, मेरा ड्रेस बहुत ही ज्यादा बकवास लग रहा है। नहीं बहुत अच्छा, जो मुझे पसंद आया वो मुझे आया नहीं, दोनों ड्रेसों में मसले आ गए। अब ये वाला लेके आई, ये मुझ पे सूट नहीं कर रहा है, अब मैंने मेकअप भी नहीं कराया। अल्लाह सो गाइस, मेरी ब्यूटीफुल मम्मा आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह, लेकिन उनकी ब्यूटीफुल मम्मा की ब्यूटीफुल बेटी आज ब्यूटीफुल नहीं लग रही। मैं खुद को अच्छी नहीं लग रही, मेरा ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और प्यारी लग रही है मम्मा कह रही है प्यारी लग रही हूँ, बट मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए अब पतले होने के बाद, लेकिन पता नहीं क्या अजीब मोटापा में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और पतले होने के बाद कॉन्फिडेंस कम हो गया, पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं। यार हम लोग जा रहे हैं एमन एंड मुश्तबा के निकाह में, और अभी देखते हैं वहाँ पे कौन कौन आया हुआ है और क्या हो रहा है, आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा। आ जा मामा। ओ माय गॉड है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हाल है, बहुत प्यारी लग रही है। सारा हुसन खत्म हो गया भाई साहब, लाल साड़ी पहन के आ गई है भाई साहब, बहुत प्यारी लग रही है यार, और हसीन तारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सबा, आप यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ ना, मैं कमजोर हो गई हूँ ना, क्या हाल है आप दोनों के? कैसे पता बताओ क्या सब क्या बोल रही थी? आप क्यों एफपीएल देखते हैं भाई, बता दो। इतनी कमजोर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई ना मैं, माशाल्लाह सच में नहीं, मैं पता नहीं लग रहा मैं हूँ नहीं वाकई नहीं पता चल रहा, वीडियो पिक्चर बनवा कर आती हूँ। सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हम ब्लॉग बंद करके भी
बाद अच्छे से मिलते हैं, आना दफा हो जाओ यार तेरे पास। सलाम अलैकुम यार, ये कितना तो कमजोर सी हो रही है भाई, तुम अपने आप को देख लो। ये भी स्मार्ट हो रही है भाई, तो शादी के बाद लोग मोटे होते हैं, ये मोटी हो रही है, क्या पतली हो रही है, क्या बात है भाई, क्या बात है, खाने को नहीं दे रहा यार। अच्छा वो बड़ी उम्र की होती थी, खाने को नहीं दे रहा ना। काम करने जा रहा हूँ, मैंने पेन पकड़ाना है, कितने डैश हो पेन पकड़ाना, सिग्नेचर करेगा पेन, पहने पकड़ाना है आप, इसका भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है। बहुत बोल रहे हैं आप तो, खुश बहुत प्यारे लग रहे हैं बाहर, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैंने पहले ही देख लिया था इसका वो सही हुआ। आप इतनी पतली हो गई हैं, आप इतनी हो गई, अच्छा हटना बाद में कर, नहीं मैं व्लॉग बना रही हूं, आप खड़ी हो, सबा क्या कह रही हो, सबा क्या कह रही हो, बटू यार मुझे इंस्टाग्राम से कैमरा जिसने भी दे रही है, तुम कमजोर हो गए, तुम मोटी हो गए, लोगों क्या होता, जो बात है, मैं दोनों हाथों में दो दो लड़कियां उठा दी थी ऐसे, क्या मैं कहती हूं साया आ जाएगा, कैसी कैसी बात हो रही है, 2024 बताऊंगा कौन सा वाला है, लेकिन इंशाल्लाह कब कर बहुत प्यारी तुम्हारी तरह। पता चला कोई भी नहीं पड़ गया, कोई भी हो इसको कोई दूल्हा नहीं बनाएगा, मैं शबाला होता हूँ दूल्हा का बचा हुआ दूध मैं पीता हूँ। आपने लिखा मुस्तफा वल्द अब्दुल करीम के साथ खुद कदम या गांधी साहब क्या बोल रहे, जैसे अमन ने आवाज लगाई ना तरसी भी भाई शादी के लिए शादी से तू इनवाइट क्यों है यहाँ पे, हक मेहर सुनने के बाद खुश हुई है, तू इस शादी में चली जा बेटा, चल ओ छोरी चला जा, चली जा चल जा, मेरे से नहीं आपकी शादी, आधी बात पक्की हो गई, मैं माननी लड़की नहीं मानती यार, सीरियस बताओ, मैंने सुना है हाथा भी नहीं जा रहा है, सबको बता दे, नो अभी मुझे हाथा नहीं जा रहा, मैं लड़का ढूंढने जा रही हूँ, कुछ बोल रही थी यारी, तुम अपना गंदा मुंह मेरे से मत निकालना, इससे पहले कि तुम्हारी मौत हो जाए, क्या सुनो लड़का यहाँ ढूंढोगी, अमेरिका से इंपोर्ट करके ला, तो हेरोइन पीता चाइना का गुंडा, क्या पीता का गुंडा, वो तो वैक्स के बने हुए होते हैं, मतलब इसके पास चाइना डॉल्स हैं, दुल्हा दुल्हन का निकाह डन होने वाला है और मैं जा रही हूँ मामा के पास, इधर बैठिए और यहाँ लेके चलो, अस्सलाम वालेकुम, शर्म करो कच्ची मछली खाकर तुम इस बंदे निकाल के, ये कौन है, भाई है ना, ये तुम्हारा भाई है, लानत तुम्हारी शक्ल पे इतनी देर से, बेचारे कब से बैठ जाओ, कंफ्यूज है तुम, अजीब मिलवा के दे वो
पता नहीं है किसकी इज्जत है, पता नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और माशाल्लाह आपका तो मैं फैन हो गया जब से आपने वेट लूज किया। उससे पहले नहीं थे, उससे पहले आप मुझे फैन बोलते। नहीं मैं एक्चुअल में आपकी वो जो बिफोर एंड आफ्टर वाली वीडियो देखी थी, बड़ा इंप्रेस हुआ कि रियली इतना माशाल्लाह आपने स्लिम किया है। और सीरियसली इस तरह बहुत कम लोग हैं जो इतनी जल्दी जिनको फर्क पड़ता है। कितना टाइम लगा? 8 महीने। 8 महीने? अच्छा, मतलब कर तो 1 साल से रही थी लेकिन छोड़ दी थी, फिर कर दी, फिर 8 महीने से मैंने जो है ना बिना स्टॉप करे शुरू कर दिया था। अब अच्छा फील होता है ना? बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को बताता चलूं, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे ये बात बोलने के लिए। अल्लाह तौबा, इन्होंने कहा आपको ये बोलना है तो मैंने इसलिए बोला है। पता यार, इन्होंने बहुत वेट लूज किया, आप लोगों ने देखे, और आज इन्होंने ड्रेस भी बहुत अच्छा पहना। लाइन में दिखा दो, ये चेक करें जी, ये देखे जी ड्रेस चेक करें इनका, माशाल्लाह। मेरा भी दिखा दो, आपका भी दिखा दो। मैं मैंने अक्सर ही तुम्हारे ब्लॉग्स देखे, अक्सर ही कुछ ना कुछ मैं देखती हूँ तुम्हें, तुम कैसे फौरी फौरी शायरी ले आते हो, ऐसी ही ऐसी है। कैसे बायर, कैसे कर लेते हो? इंग्लिश में बेल, उर्दू में घंटी, देखो मेरी कितनी प्यारी आंटी। मेरी सही तो कॉमेडी वाली होती है, किसी को डर नहीं जाएगी। मैं दर्द तुम्हारे शेर नहीं बोलता। शायरी तो शायर तो शायर होता है। उमर शरीफ साहब को देख देख के इतना तो सीखा हूँ शायरी, तो वो मैं ऐसी रैंडम स्पॉन्टेनिटी। लेकिन क्या पाया, बिल्कुल परफेक्ट बोलते हो, परफेक्ट बोलते हो, मुझे इतनी हैरानी होती है। सर समझते हैं कि मैं लिखता हूँ, मैंने ना अगर मैं लिखूंगा तो पूरे दिन। अभी मुझे वाटर टाइट का कैसे बोलना यार, मुझे कैसे बोलना हो गई। प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट ड्रेस। दो शॉकिंग न्यूज़ एक साथ। मम्मी आई है, मैं आपका पूछ रही थी, कह रही मम्मा खाए, मैंने कहा मम्मा बैठी हुई, कह रही मिलवाओ मुझे, ला के चले मिलने के लिए, कुछ ले आओ बाजी। जाऊंगी यार, बहुत रश लगा हुआ है, अजीब लग रहा है। हाँ अपने मतलब की चीज खा लो। रो रही थी मम्मा के, मतलब हम दोनों सेम टू सेम है। अरे वाह, हाँ जो वेरी स्वीट, मुझे भी एक टाइम बहुत अच्छा लगता था ये। बुरा लगने लग गया। नहीं, जो पहले वर्ड यूज किया था वो बोलो। बता रही थी ड्रामा एक्ट्रेस, मतलब केयर नहीं कि तुम लोग केयर नहीं करते। मैं ये बता रही हूँ कि ड्रामा एक्ट्रेस ब्लेस्ड होते हैं। हाँ। जिस तरह माशाल्लाह ये है ना, खूबसूरत हाँ। चेहरे सब कुछ खाते हैं, वो भी सब कुछ खा रहे होते हैं। क्या क्या खाते हैं? गोलगप्पे, छोले। ड्रामा में नहीं होता, ड्रामा में सीरियस रोल है। ड्रामा में होता है कि यार, मतलब अगर एक्ट्रेस ऐसे होते तो फिर टिकटॉकर से बहुत अच्छे गा। इतना नो एटीट्यूड, नो एटीट्यूड। मैं ये सब में ये नहीं होता, किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है। मैं तो तमिल नहीं है, माए बैठी हुई सलामी नहीं करते। तो भाई हम लोग घर आ चुके हैं और मेरे मामा ने कपड़े चेंज कर लिए, हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे? बेटा सरकारी मामलात हैं, इलेक्शन की बहुत ड्यूटी लगी हुई, बहुत सख्ती से पावन किया हुआ, कैसे जाऊँ बता दो, कोई हल नहीं है भाई। यार हम बोर हो, अरे मेरा बेटा गिरफ्तारियां शुरू कर देंगे, पूरे कमिश्नर को अख्तियार दे दिए। आप लोग यार अब तक टर्न हो गया था जाने का, वो सही है, मगर सरकारी मामला थे, इलेक्शन सर पे है भाई, और किसी को भी आप गैर मुतालका लोगों को भी नहीं ले रहे जो पहले ले लिया करते थे इलेक्शन में, कि किसी को भी लगा लिया फैमिली को। आज पहली बार बाबा भी लगे उधर लाइन में दवाई के लिए मेरे साथ आज। अरे वक्त ही बुखार था, उतर गया, अल्लाह का शुक्र है। बुखार ठीक है अब आपका? मम्मा जा, अम्मा का दिल ही नहीं हो रहा आपके बिना जाने का। अरे नहीं सही है भाई, वो बस लू लग जाती है और फिर गाड़ी का भी पैकिंग कर लेते ना आप भी जा। अरे नहीं भाई, मेरी अलाउ नहीं है बेटा, हम तो जा रहे हैं बाबा, हमें अलाउ नहीं है कराची से बाहर जाना अभी फिलहाल बेटा। जून जुलाई में तो शायद निकल भी जाते हैं, मगर ये की अलाउ नहीं है। मैं नोट बाबा, मम्मा रो रही है आपके बिना नहीं जा रही है। मैं आ जाऊंगा, बोले मैं भी नहीं जा रही, तुम भी नहीं जाओ जून जुलाई।
में चलेंगे ना, स्कर्दू चलेंगे और उधर चलेंगे गिलगित की तरफ। मैं भी चलूंगी, मतलब अगर अगर हमें ट्रिप स्पॉन्सर्ड होते हैं तो मम्मा बोलती कभी भी कैंसिल कर दो। अरे ये आज है, मैं हैदराबाद घुमा के जाऊंगा। आपको पता मेरी वजह से कितने लोग जा रहे होते हैं ट्रिप पे? रानी के बाग में ले जाऊंगा उनको हैदराबाद, वहां से 130 का डाल के गुलशन शफीक यहाँ पैराडाइज तक आया हूँ, फिर अपने स्कूल शफीक मोड़ की तरफ गया हूँ, फिर घर आया हूँ। 130 पे इतना अच्छा एवरेज था उसका, आपको पता है ना बाबा? बाबा ना मम्मा ने पैकिंग की है ना, भाई ने पैकिंग किया, पैकिंग करने जा रहे हैं और सुबह निकलना, मम्मा जा ही नहीं रही थी। नहीं नहीं लेके जाओ, सारी जिंदगी तो कहीं मैं ले जा नहीं पाया, हालात और मामला के बीच में हो जाती है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्या चीज बाबा यार आप चले ना, अच्छी लग रही थी। इस वीडियो को जो है ज्यादा इश्तराक करें, इश्तराक और अपनी राय दें, अपनी राय दें और बेहतर राय दें। अच्छी सोच रखने वाले हमेशा बेहतर राय देंगे, गलत सोच रखने वाले गलत ही राय देते हैं। बाबा क्या करें, आई लव यू बाबा।